कक्षा 10वीं की सेक्शन ए पूरा हल करवाने वाले हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं सेक्शन ए, आप इसको पूरा देख लेना, आपका एक भी सेक्शन ए का क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा एग्जाम में, आप छोड़ के नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन का जवाब देके आओगे। देखिए सेक्शन ए है लिखा है, क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, पूरा पैसेज लिखा हुआ, आप लोग रीड कर सकते हो, उसके आंसर लिखे यहाँ पे, आप आंसर यहाँ पे देख सकते हो, देख सकते हो बच्चों, इसका ये आंसर है, इसका ये है और इसका ये है बी वाला, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। सर प्रश्न को जवाब दिया हुआ है, देखो इसका ए है, इसका ए पाँचवें का। उसके बाद पैसेज नंबर 2 आती है बच्चों, पैसेज नंबर 2 देख सकते हो आप लोग, पैसेज नंबर 2 आती है। तो ये प्रश्न बैंक में भी आप पढ़ सकते हैं, प्रश्न बैंक है, आप लोग देख लेना, इसका आंसर ये है, इसका ये है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों देख सकते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, देख सकते हैं। आपने अगर ये कंप्लीट कर दिया पेपर आ रहा है बच्चों, इंग्लिश का तो पूरा पेपर ही आने वाला है, इससे बच्चों आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हो जी साइबर सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, इसका डी है जो आप देख सकते हैं, टिक भी लगी देख सकते हो, प्रश्न नंबर 4 देख सकते हो, इसका भी आंसर लिखे हुए आप लोग देख सकते हो, देख सकते हो बच्चों सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, आप यहाँ से जल्दी लगा लीजिए सभी लोग। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है, आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 के भी आंसर लगे हुए आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं सभी लोग। जो वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो सभी प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सारे आंसर सही है बच्चों, आप लोग देख सकते हो। प्रश्न नंबर 7 आता है, देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 देख सकते हो बच्चों, सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देख सकते हो जो सारे प्रश्न हो जाते हुआ है। तो यहाँ पे देखना इसका राइट आंसर यही है, इसका राइट आंसर तो रॉन्ग है बच्चों, गलती लग गया, तो इसका राइट आंसर ये है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे प्रश्न हो जाते हुए। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 आता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हो बच्चों सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है, आप लोग ऐसे पढ़ आसानी से टिक लगा सकते हो अपने प्रश्न बैंक में भी, आप लोग देख सकते हो बच्चों। उसके बाद आप सेक्शन बी आप लोग देख सकते हो, सेक्शन बी तो कैसे दिया हुआ है, तो देख सकते हो कैसे दिया हुआ है, उसका टाइटल देख सकते हो बच्चों, आप यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, नोट्स भी लिखे हुए बच्चों, आप देख सकते हैं, आप लिख सकते हो आसानी से, देख सकते हैं नोट्स। उसके बाद पैसेज नंबर 2 आता है, आप लोग देख सकते हो पूरा पैसेज रीड कर सकते हो बच्चों यहाँ से, देख सकते हो इसके बाद इसका भी टाइटल नोट्स देख सकते हो आप लोग, टाइटल नोट इसका भी लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो आसानी से, देख सकते हो सभी लोग, देख सकते हो बच्चों सारे प्रश्न मुझे उसका आ जाता है। पैसेज नंबर 3 देख सकते हो, पैसेज 3 लिखा हुआ है, पैसेज 3 देख सकते हो सारे बच्चे, उसके बाद इसका टाइटल आता है, देख सकते हो नोट्स भी आते हैं बच्चों, अपने आप नोट कर सकते हैं आसानी से, नोट कर सकते हो सभी लोग। देख सकते हो बच्चों सर प्रश्न नंबर 4 आता है बच्चों, देख सकते हो आप लोग प्रश्न नंबर 4, तो उसको भी टाइटल नोट्स लिखे हुए बच्चों, आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो सभी लोग। बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, आप लोग देख सकते हैं बच्चों, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, भेज दिया करो। प्रश्न नंबर 5 देखा हुआ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इसका भी टाइटल नोट्स देखा हुआ आप लोग देख सकते हो, सारे प्रश्नों का जवाब दिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से।
उसके बाद आते हैं फॉर्मल लेटर। देखो अच्छे लेटर लिखे हुए आप लोग देख सकते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का लिखा हुआ आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हो आसानी से, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का लिखा हुआ है तो फिर नोट कर सकते हो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर टू आता है देख सकते हो बच्चों, फीस कंसेशन वाला, तो फीस कंसेशन वाला लिखा हुआ आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो सभी लोग, फीस कंसेशन वाला लिखा हुआ आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो सभी लोग, नोट कर सकते हो बच्चों, नोट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीन आता है देख सकते हो स्टैंड सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट चेंज का भी लिखा हुआ आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो जल्दी आप लोग, सब्जेक्ट चेंज वाला भी यहाँ से नोट कर सकते हो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है इनफॉर्मल लेटर बच्चों देख सकते हो, तो लिखे हुए हैं आप लोग यहाँ पे, इसका भी आंसर देख सकते हो, देख सकते हो बच्चों सारे प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आता है लेटर, तो क्वेश्चन नंबर टू पे लेटर देखो लिखा हुआ है सक्सेस एग्जामिनेशन, तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है आप लोग आप देख सकते हो, पूरा आंसर लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, पूरा नोट कर दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन आता है आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर तीन उसका भी आंसर लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं बच्चों। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर चार आता है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर चार दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर चार दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो। ऐसे राइटिंग आता है देखो बच्चों, बर्न ऑफ साइंस का लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं, बर्न ऑफ साइंस लिखा हुआ है बच्चों सारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा बर्न ऑफ साइंस का ऐसे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा आपको उसी में देख सकते हो सभी लोग। सर माय हॉबी का लिखा हुआ आप लोग देख सकते हो, माय हॉबी का भी पूरा लिखा हुआ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, माय हॉबी का सब कुछ आंसर दिया हुआ है, माय हॉबी का भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसका एन फेस्टिवल, एन इंडियन फेस्टिवल का आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन का जवाब दिया हुआ है आप लोग यहाँ नोट कर सकते हो सभी लोग, सारी चीज़ क्रम बाय क्रम दी हुई है। एक ग्रेट लीडर का भी लिखा हुआ आप यहाँ देख सकते हो सभी लोग, क्रम बाय क्रम। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप लोग देख सकते हो। सेक्शन भी कंप्लीट कराया है आपको देख सकते हैं बच्चों, सभी प्रश्नों का जवाब, कोविड 19 का भी लिखा हुआ है आप लोग यहाँ देख सकते हैं आराम से। देख सकते हो सभी बच्चे, सर आंसर लिखा हुआ है देख सकते हो सभी लोग, सर वो सब कुछ दिया हुआ है बच्चों देख सकते हो। तो ऑनलाइन एजुकेशन आती है जो आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन का भी लिखा हुआ है पूरा ऐसे लिखा हुआ है आप लोग यहाँ से देख सकते हो बच्चों। बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें देख सकते हैं आप लोग। उसका तो पिक्चर गॉड आता है बच्चों देखो वो देख सकते हो, इसके बारे में फिर आप लिखना है तो देख सकते हो, ये आंसर लिखे हुए हैं इसके तो यहाँ पे नोट कर सकते हो, सारे आंसर लिखे हुए, आंसर लिखे हुए आप लोग देख सकते हो, सभी लोग देख सकते हो। सारे प्रश्न जवाब लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू आता है देख सकते हो आप लोग, तो इसके भी आंसर नीचे लिखे हुए आप लोग देख सकते हो, सारा आंसर लिखा हुआ है सभी नोट कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीन है तो आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर तीन लिखा हुआ है आप देख देख सकते हो पूरा क्वेश्चन नंबर तीन, तो इसका भी आंसर लिखा हुआ है नीचे आप लोग देख सकते हो, ये लिखा हुआ है तो आप नोट कर सकते हो आसानी से, सारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है आपके। उसके बाद आता है ये वाला देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर चार पे, इसका भी आंसर नीचे दिया हुआ आप लोग देख सकते हो।
देख सकते हो जो सेक्शन सी और सेक्शन डी अपन क्लियर करेंगे अगले वीडियो में। अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही मैं अगले वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद।